बताइए अम्मी, इजाजत है? हाँ आ जाओ बेटी। आयगुल, खुश आमदीद मेरी बच्ची। जाने से पहले दरख्वास्त करने आई हूं आपसे दुआओं की, गलतियां माफ कर दीजिएगा। सब माफ है बेटी, बहुत जल्द कामयाबी से लौट आओगी इंशाल्लाह। आयगल, लगता है कोई और मसला भी है ना? चलो आ जाओ, आओ बैठो जरा। हाँ तो बताओ, अब अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज बनाया है बेटी? हाँ आपसे रहनुमाई चाहिए, दिल और दिमाग उलझ से गए हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। बात क्या है आयगल, बताओ। जरकोताई मुझसे शादी करना चाहता है। इसमें मसला क्या है बोलो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटी, तुम्हारा चेहरा इतना उदास है क्यों? जरकोताई अच्छा इंसान है, बहादुर है, रहम दिल भी है, जब भी दुखी होती हूँ अपनी बातों से खुश कर देता है। हाँ मगर वाकिफ हैं आप मेरे मासी से अच्छी तरह, किसी पर एतबार नहीं है, अब डर लगता है। पहले मेरा अपना खून मेरे पापा ने, उसके बाद मेरे शौहर की गद्दारी ने तोड़ दिया मुझे, जिस पर यकीन किया उसने धोखा दिया। अब तो सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करती हूं मैं, ताकि गिर ना पाऊं। हाँ कभी कभी जबान कुछ कहती है और दिल कुछ और ही कहता है ना। आयगुल, पहले ये फैसला कर लो कि तुम्हें भी वो पागल जवान पसंद है। हमारे अजदाद का कौल है कि इंसान अलग अलग और जमीन की असनाफ होती हैं। माजी में खाए गए धोखों से हर किसी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दोगी? बाहर निकलो, नजर दौड़ाओ, इतने इंसानों में कौन किसी से मिलता नजर आता है? रसूल अकरम ने फरमाया है, यतीम बच्चियों का निकाह उनकी इजाजत के बगैर ना किया जाए, हाँ बस अगर वो खामोश रहे तो वही उनकी इजाजत है। तुम्हारा पहला इम्तिहान मुश्किल था और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत मुश्किलों से गुजरी हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें जहर कुताई से और जहर कुताई को तुमसे मुकम्मल करना हुआ तो मेरी बच्ची फिर बोलो, जरा देखो तो अल्लाह ने उस पागल लड़के के दिल में ऐसा रहम पैदा किया है कि जालिम की तरफ पीठ फेर कर अपने उस्मान साहब का सिपाही बन गया। मेरी बात मानोगी? एक बार सोच लो, ठीक है? सोचूंगी इस बारे में मैं, दिल को संभाल कर एक बार फिर सोचूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है कि आप मेरे पास हैं और हमेशा रहेंगी। हमेशा बेटी, क्यों नहीं।